हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ अमरनाथ जी से, जो हमारे स्टूडेंट है और एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर है। और उसने जो एक्सपोर्ट किया है, जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है, उसको बोलेंगे अर्थवर्म बोलते हैं। और इंडिया में ये प्रोडक्ट को इसने फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट किया है, उसके बारे में डिटेल में जो है अमरनाथ जी हमको बताएंगे। अर्थनाथ जी जो है वो पुणे से है। तो सर, आपके बारे में यहाँ पे बताइए, आपका नाम और आप क्या करते हैं, पूरा बताइए यहाँ पे। सबसे पहले आपको नमस्ते और आपके सब व्यूअर को नमस्ते और धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली आपको, क्योंकि आपका बहुत सारा हर एक चीज में मुझे हेल्प मिला आपके वीडियोस का या वीडियोस का और ट्रेनिंग का, मतलब बहुत सारा फायदा हुआ मुझे उसके बारे में। क्योंकि हर एक चीज किसी को पूछते है तो वो कुछ अलग ही बताते हैं, तो ये सब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सब कुछ आपसे ही सीखा, ऐसा मतलब बोल सकते हैं। तो सर, मेरा नाम अमरनाथ अंदुरे है। प्रॉपर मैं पारनेर तहसील पाटोदा और डिस्ट्रिक्ट बीड से हूँ, और 2015 से मेरा ऑफिस पुणे में है, और मेरी गांव में फार्मिंग भी है, खेती है। वहां पे मैंने 5 एकड़ एलोवेरा किया है, उसमें एलोवेरा को कोई रासायनिक खाद वगैरह यूज नहीं कर सकते, इसलिए वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोजेक्ट लगाया और अर्थॉर्म प्रोड्यूसिंग का भी प्रोजेक्ट वहां पे किया है। तो रिसेंटली मतलब पहले तो एक्सपोर्ट ओनियन एलोवेरा बेबी प्लांट नेपाल साउथ अफ्रीका ये वो करते थे, लेकिन ये अर्थॉर्म एक्सपोर्ट का जो है ये इंडिया से फर्स्ट टाइम था। ये मुझे तब पता चला क्योंकि कस्टम के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था और उसके लिए कोई मतलब पे वे नहीं था उसका, अर्थॉर्म एक्सपोर्ट का, तो वो वे हमने बनाया आपकी सहायता से। और बहुत 2 महीने बहुत सारा हार्डवर्क लगा, और पांच सितंबर को मुझे ऑर्डर आया। मैंने प्रोफार्मा भेज दिया और उनका पेमेंट मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ। उसके बाद में हमने अर्थवर्म प्रिपरेशन के लिए प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट किया। अभी प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान देना पड़ता था और ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी ध्यान देना पड़ता था, और ये डॉक्यूमेंटेशन किसी को पता नहीं था, तो ये लाइव एनिमल है इसलिए मुझे लगा कि ये एनिमल हस्बेंड्री के पास आता होगा। तो मैंने कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर हमारा बीड का विभाग आता है औरंगाबाद, तो औरंगाबाद से बात किया, एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर पुणे से बात किए, मुंबई से एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर बात किए, मतलब हर कोई जो था उनको पता नहीं था कि ये क्या होगा, अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं अगर कुछ हो जाता है तो वो कुछ उनके ऊपर भी आ सकता है, इसलिए कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद में सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वहां पे भी दिल्ली में कांटेक्ट किए, वहां पे डॉक्टर गगन गर्ग थे, उन्होंने भी अच्छी तरह से गाइड किया, और यहाँ पे पुणे में जो एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर है उनके ऑफिस में मैं एप्लीकेशन लेके गया। मुझे पता नहीं था, मतलब पहले मैं इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स को मिला ही नहीं था, तो मैं एप्लीकेशन लेके गया, सर मुझे ये दिक्कत है, ये सर्टिफिकेशन एनिमल हस्बेंड्री से चाहिए। उनके बहुत सारे कमिश्नर ऑफिस में डिपार्टमेंट है और पूरा बिल्डिंग में उन्होंने सब डिपार्टमेंट सिर्फ मेरा ही काम करने के लिए लगे रहे थे, और वहां से ईमेल उन्होंने सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को किया, मेरा डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस ये वगैरह, मतलब मेरे लिए कोई गवर्नमेंट के ऑफिस में इतना सब कुछ मतलब तुरंत करते हैं, ये मुझे पता नहीं था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने भी मेरे लिए बहुत प्रयास किया, और आगे जाके मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन ये वो प्रोडक्शन वो 1 महीने बाद रेडी हो गया। रेडी होने के बाद उसका हमारा जो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक जो अर्थॉर्म सप्लाई करते हैं उसका पैकिंग तक हर बार बदलते रहते थे कि यार किसमें अच्छा रहेगा ये और इसमें उसका मतलब जिंदा रहेगा,
ऐसा पैकिंग 5-6 साल से ट्रायल करते आ रहे हैं, इसलिए पैकेजिंग का भी अच्छा पैकेजिंग किया, जो कि 60-70 दिन उसको कुछ नहीं होता है। मतलब बाय एयर में खर्चा बहुत होता है, लेकिन बाय सी हम मतलब एक साउथ अफ्रीका का भी ऑर्डर था, उनसे बात किया मैंने, तो बाय सी भेज सकते हैं बोले, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ है उसमें, ट्रायल भी दिया है हमने। ट्यूनिशिया का एक कस्टमर था तो उनसे बात हो रही थी, तो अभी बात चल रही है, उनको प्रोफार्मा वगैरह भेजा है मैंने। यस ग्रेट। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना हार्डवर्क किया कि जो ये नया प्रोडक्ट था, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दर्शकों को ये बता दूं कि लाइव अर्थ वर्म करके जो ये प्रोडक्ट है वो क्या है। तो गुजराती में अलसिया बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आप फोटो में आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट है सर ने एक्सपोर्ट किया है, इंडिया से एक्सपोर्ट किया, पहली बार इसका एक्सपोर्ट था। तो बोले डॉक्यूमेंटेशन कौन सा लगेगा इसमें, आरसीएमसी इसमें कौन सा आएगा, तो गवर्नमेंट ऑफिस में भी इतना पता नहीं था। तो क्या हुआ कि ये ऑफिस में थोड़ा 2-3 ऑफिस में जाना पड़ा, और उसके बाद उसको पूरा सोल्यूशन मिला कि ऐसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो। कस्टम में भी लोगों को आइडिया नहीं था, और उसको क्या लगता था कि भाई शिपिंग लाइन, वो सर बताएंगे खुद ही बताएंगे, भाई मेरी बात हुई पहले भी तो बताया कि शिपिंग लाइन वाले कोई लाइक एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। तो सर आप बता सकते हैं शिपिंग लाइन में क्या हुआ, मतलब आपने जो मुझे बताया वो। सर मुंबई के जो शिपिंग लाइन्स है, तो हर एक वेसल कंपनी में और हर एक एनओसीसी होते हैं ना, नॉन नॉन वेसल शिपिंग कंपनी, तो उन हर एक के पास मतलब विजिट किया मैंने, और लगभग 200 से 250 मैंने मेल किए, उनका प्रोडक्ट का डिटेल दिया, उनको क्या टेम्परेचर रिक्वायर होता है, उनका लाइफ कितना होता है, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, सब कुछ प्रोडक्ट का नॉलेज देने के बाद एक नायो शिपिंग कंपनी है, उनके सीईओ अजय सर हैं, तो उन्होंने मेरा मेल पढ़ा, उनको बहुत ही अच्छा लगा, और उनकी एक मतलब मार्केटिंग मैनेजर है स्वाति मैडम बोल के, तो उनको भी मेरा मेल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना डिटेल प्रोडक्ट का नॉलेज कोई देता नहीं है कंटेनर बुकिंग के लिए। तो उन्होंने मेल पढ़ा और सीईओ से डिस्कस किए अजय सर के साथ, तो वो थोड़ा मतलब बहुत दिन बाद वो रिस्क लेने के लिए रेडी हुए, और रिस्क लेने के लिए रेडी हुए ये मतलब अर्थम के लिए, क्योंकि इंडिया से पहली बार जा रहा है, ये उनको भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट था, तो वो उनको समझा दिया मैंने कि ये हमने ट्रायल किया है, उसको कुछ होता नहीं है, और आपका सब कुछ अंडरटेकिंग लेने के लिए हम रेडी है, लेकिन आप कर दो। तो वो इंडिया से पहले एक्सपोर्ट था, उसलिए उन्होंने भी किया और रिस्क लेने के लिए रेडी हुए। मतलब उसके बाद में उन्होंने जब एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद में 2-3 और भी शिपिंग लाइन एक्सेप्ट करने लगी, अभी बोला छोड़ दो, जिसने पहले हमें मदद किया उनके पास ही जाते। बढ़िया है। तो 27 मतलब अभी पहले से हमारा प्रोडक्ट वगैरह सब रेडी था, लेकिन शिपिंग लाइन वाले कोई कंटेनर बुकिंग नहीं दे रहा था, इसलिए बहुत इरिटेट मतलब हो गए थे, क्योंकि जो उनका पेमेंट आया था वो भी खर्च हो गया, और मतलब सब पेमेंट वगैरह करके दिया, लेबर है प्रोडक्शन है, तो उनका जो पेमेंट आया था वो मेरे आंखों के सामने लास्ट मोमेंट तक या दिवाली तक 3 तारीख तक मुझे आंखों के सामने लॉस ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि अगर ये वहां तक कंटेनर में क्या होता है हमें पता नहीं, लेकिन वहां तक अगर जिंदा नहीं जाता है तो डिस्ट्रॉय का चार्जेस फिर मुझे पे करना पड़ेगा, इसकी वजह से बहुत टेंशन वाली मतलब हार्डवर्क तो करते हैं, लेकिन ऊपर से मानसिक जो संतुलन था यस यस यस। और ये पहली बार था ना आपका, पहली बार था, तो कोई भी नया एक्सपोर्टर तो उसे टेंशन रहता क्या होगा। यस 27 तारीख को मतलब वेसल वहां से जेएनपीटी से निकली, और 7-8 दिन तक पहुंच जाती है, तो 3 तारीख को पहुंची, और नवंबर में हमारी दिवाली थी, 3 तारीख को पहुंची, मतलब दिल में थोड़ी सी घबराहट ही थी, मैंने उनको फोन मतलब मैसेज करने के लिए भी घबरा रहा था कस्टमर को तो उनको मैंने मैसेज किया, सर आपके यहाँ पे शिप पहुंचा है, आप देखे मतलब प्रोडक्ट, उनको मतलब मुझे ये उनको फील करना था कि ये मेरे इंश्योरेंस वाले उसका फोटो वीडियो मांग रहे हैं, मैं तो नहीं मांग सकता, उनको बोला कि इंश्योरेंस वाले फोटो वीडियो मांग रहे हैं आफ्टर अनलोडिंग, टाइम ऑफ अनलोडिंग, तो
उन्होंने भेजा और बिल्कुल अच्छा सैंपल लिया था उनके कस्टम क्लियरेंस के, इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस के चेकिंग के लिए, बहुत ही अच्छा निकला। तब जाके मुझे बिल्कुल मतलब बहुत तसल्ली आ गई और उसके बाद में दिवाली हमने अच्छी तरह से मनाई। ओके, गुड 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 गुड। और वो होने के बाद जो भी एग्रीकल्चर ऑफिसर ने मुझे सपोर्ट किए थे उनको भी बता दिया मैंने कि ये सर आपके गाइडेंस की वजह से, या परेश सर के गाइडेंस की वजह से मुझे बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा। हर कोई चीज मुझे मतलब सीख गया मैं आपसे परेश सर से। तो उन्होंने भी न्यूज़पेपर वालों को, रिपोर्टर वालों को मेरा कांटेक्ट किया, उनको भेजो इन्फॉर्मेशन को ले। तो यहाँ पे एक सकार मीडिया है, सकार न्यूज़पेपर आता है, तो उनके यहाँ पे मुझे बुलाए हो सर। तो बुलाने के बाद उन्होंने मेरा सब हिस्ट्री जान लिया कि कैसे किया, क्या दिक्कत आया और दिक्कतों का सामना कैसे किया आपने, वो सब बताने के बाद वो बहुत ही भावुक हुए। तो एग्रोवन न्यूज वालों ने मुझे वहां पे बुलाया, तो उन्होंने मेरा सब हिस्ट्री और हार्ड वर्किंग जानने के बाद उन्होंने मुझे उपाधि दी कि यार क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे काम किया है आपने। मैंने बोला मैं एक फार्मर का बेटा हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ जो कि अमेरिका का मतलब उन्होंने सर्च किया। तो नहीं बोले आप उतना बड़ा काम किए हैं क्योंकि आपने बाकी एक्सपोर्टर को एक रास्ता बना के दिया है आपने कि अभी बाकी एक्सपोर्टर को अर्थम एक्सपोर्ट करने के लिए इतना आपके जितना हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका प्रोडक्ट भी नया है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, तो आप नया प्रोडक्ट भी जो है डेवलप करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। यस ग्रेट। हाँ सर, और दूसरी ये एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे अर्थम का प्रोडक्ट भी उनको डिलीवर हो गया अच्छी तरह से, और उनको वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए भी हम बाय वीडियो कॉल या कॉलिंग के मार्फत उनको गाइड करते हैं कि वर्मी मतलब वर्मी कंपोस्ट कैसे करना है, उसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए और क्या क्या रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। और उनका भी एक पेपर में न्यूज आया था कि पहले ओमान में वर्मी कंपोस्ट का कंसेप्ट नहीं था, वो एक फार्मर के बेटे ने वो कंसेप्ट ओमान को डिलीवर किया और उसके बाद मतलब शुरू हुआ। उनका भी पेपर में न्यूज आया था, मुझे तो अरेबिक पढ़ने नहीं है, समझ में नहीं आती है, लेकिन उन्होंने एक टैगलाइन लिखा था ऊपर एड के ऊपर, तो मैंने गूगल से कन्वर्ट करके देखा तो वो ओमान का पहला वर्मी कंपोस्टिंग प्रोजेक्ट उनका था, ऐसे मुझे समझ में आया। तो उसके बाद में वो बोले कि हम वहां पे जो ओमान में खेती होती है वो तो हो गया एक सोहार में उनका प्रोजेक्ट है, तो उसके बाद में वो बोले कि हम बाकी भी फार्मर हैं तो उनको भी वर्मी कंपोस्टिंग का नॉलेज देना चाहते हैं, और बाकी जो उनके एग्रीकल्चर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं आप आइए बोले। आने के बाद उनके साथ डिस्कस करके पूरा ओमान कंट्री जो है हम ऑर्गेनिक बनाना चाहते हैं, तो उसलिए वो हमें बुला रहे, लेकिन वैक्सीन ना होने के कारण, पूरी कंप्लीट ना होने के कारण, मतलब मैं बोला कि उनको फरवरी में मेरा वैक्सीन वैक्सीन है सेकंड वैक्सीन, तो उसके बाद में आ जाऊंगा। तो ग्रेट, मैं हर एक इंडिया के फार्मर को ये बताना चाहता हूँ कि अगर गल्फ कंट्रीज में थोड़ी खेती होती है, ज्यादा इंडिया के जैसी नहीं होती, थोड़ी खेती होती है, लेकिन वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे इंडियन फार्मर भी ऑर्गेनिक की तरफ जाए, क्योंकि वो जो सब्जी और फल को बहुत ही कम कम 5-10 रुपए भी रेट आ जाता है ओनियन को कभी कभी, अगर वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किए तो यूरोप कंट्रीज में उसको 5 टाइम 10 टाइम भी रेट मिल सकता है। ये मैं मतलब थोड़ा संदेश देना चाहता हूँ इंडियन फार्मर को कि अगर एक इंडियन फार्मर का बच्चा दूसरे कंट्री में वर्मी कंपोस्टिंग का कंसेप्ट दे सकता है तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं।
यस 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 यस। तो आप जो है इंडिया में भी इसको किचन में बता दो लोगों को कि जो भी लोग फार्मिंग करते हैं प्लीज थोड़ा ऑर्गेनिक करोगे तो क्या होगा, एक तो हमारी हेल्थ, हम भी जो खाते हैं इनऑर्गेनिक खाते हैं यहाँ पे इंडिया में, तो इंडिया में भी ऑर्गेनिक बिकेगा और विदेश में एक्सपोर्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के दिन में। तो यस, तो यहाँ पे आप बताइए कि आपका वो पेमेंट वगैरह कैसा रहा फिर, और बाहर कैसे मिला तो आपको? हाँ, तो इसके पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। जो नेपाल में मुझे एलोवेरा प्लांट के लिए मैंने एक्सपोर्ट किया था, तो वो उनका भी एडवांस में पेमेंट आया था, इसलिए किया हमने। और बाद में जो भी नए एक्सपोर्टर होते हैं वो दुबई मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे बड़े बड़े एक्सपीरियंस एक्सपोर्टर है ऑलरेडी। लेकिन मैंने भी कांटेक्ट किए दुबई में, ये मतलब मुझे बहुत सारे कस्टमर भी मिले, लेकिन वो बोल रहे थे कि 4-5 दिन बाद पेमेंट होगा या पेमेंट एडवांस में नहीं होगा, अगेंस्ट बियर होगा, मतलब ये बहुत दिक्कत थी, इसलिए मैंने वो एक्सपोर्ट किया ही नहीं। मतलब लॉस करने से बेटर है अच्छा सा नॉलेज लेके, आपसे सीख के अच्छा सा एक्सपोर्ट करें, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे नए नए एक्सपोर्ट आते हैं, 2-4 बार एक्सपोर्ट करते हैं और एक बार में ऐसा लॉस हो जाता है कि 2-4 बार किया हुआ एक्सपोर्ट का लॉस और इसमें चला जाता है और ऊपर से अपने जेब में ही जाता है। तो बहुत सारे नए एक्सपोर्टर मतलब एक्सपोर्ट अच्छी तरह से मतलब उसको नॉलेज नहीं नहीं होता है, तो फिर नए जो एक्सपोर्टर है उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और जो है मार्केट और जो अप डाउन रहता है तो नए को तो पता नहीं रहता है। तो मैं आपके व्यूवर्स को और आपके सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आप मेरा इंटरव्यू ले रहे इसलिए नहीं, लेकिन मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि परे सर के पास ट्रेनिंग ले लीजिए, उनके वीडियोस देख लीजिए, उससे बहुत सारा नॉलेज आपका गेन होगा और आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर हो पाओगे। यस, जो नॉलेज है वहाँ पे मैंने यूट्यूब पे भी दिखाया है और ट्रेनिंग में भी पूरा बढ़ता है, पूरा जो भी चीज़ है फैक्ट है भाई, कितना मुश्किल है कितना इजी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना इतना इजी भी नहीं। आपने दे और आपका तो बहुत मुश्किल रहा कि पहली बार प्रोडक्ट थी, जैसे कि कोई नॉर्मल प्रोडक्ट, अभी आज के दिन में लेमन या चिली किसी को करना है तो कोई बड़ी बात नहीं हो, तो रोज जाती है, बट ये आपके हाँ जैसी कोई लाइक नई प्रोडक्ट हो तो होता है। तो यहाँ पे सीखे करो, गाइडेंस से करो, तो यहाँ पे कोई चीज़ मुश्किल भी नहीं है। तो यस, तो आपका पेमेंट टर्म क्या था यहाँ पे? सर, यहाँ पे पेमेंट हम था 50% एडवांस था, तो 50% एडवांस आ भी गया उनको। मुझे 50% 5 तारीख को रिसीव हुआ, 5 सितंबर को। उसके बाद अगेंस्ट पीएल था, बीएल था, बीएल के तो सामने बढ़िया पेमेंट टर्म है 50%। हाँ सॉरी, मैंने आपको आपका देखा था, आपका ट्रेनिंग देखा था, वीडियो भी देखा था, ये अगेंस्ट बीएल कैसे क्या प्रोसीजर होगा, तो उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने प्रोफार्मा में डाल दिया कि अगेंस्ट बीएल इतना मतलब 50% कर सकते हैं। यस, 50% एडवांस एंड 50% अगेंस्ट लाइक कॉपी ऑफ बीएल, तो इस हिसाब से पेमेंट टर्म था और पूरा पैसा आ गया, राइट? यस यस सर। और दूसरी बात ये है कि मतलब कोरोना की वजह से या किसकी वजह से मुझे पता नहीं, ये आपको पता है कि कंटेनर मिल नहीं रहे थे, और यस, मिलते थे तो मैंने प्रोफार्मा में रेट दिया था 1,60,000 ओमान के लिए, 20 या 40 फिट का सेम रहता है शायद, तो वो रेट दिया और वो रेट जा रहा है अभी 3.5 लाख के लगभग। तो मुझे और भी बहुत इरिटेट हुआ यार, बोला पहला ही शिपमेंट है अर्थोम का और उसमें रिस्क भी है और ऊपर से कंटेनर का रेट भी बढ़ा, तो कंटेनर का रेट बढ़ा, मैंने उनको मतलब बोल दिया कि सर ऐसा ऐसा है, मतलब प्रोडक्शन भी रेडी है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन रेडी है, लेकिन कंटेनर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी मिल गया तो उसका रेट इतना है, तो एक तो मेरा प्रॉफिट से जाता, चलो ठीक है, मैंने लास्ट मोमेंट तक प्रॉफिट की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे ये इंडिया का पहला शिपमेंट है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैंने प्रॉफिट की तरफ देखा ही नहीं। तो कुछ $2,000 का डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने उनको बताया, वो भी मतलब मुझे समझे कि मैंने क्या हार्डवर्क किया है, कैसा किया है, उन्होंने भी $2,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्सेप्ट किया और मुझे उतना दे दिया।
यस ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर जो होता है उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है और उसको लिख के देना है कि भाई हमने ये रेट कंसीडर किया है, आगे बढ़ सकता है तो वो रेट एक्चुअल आपको पे करना है। तो ये भी प्रैक्टिकल चीज है, हम बोलेंगे तो जो है यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है। ग्रेट, तो बढ़िया है। यहाँ पे आपने इंडिया इंडिया से पहली बार जो है लाइव अर्थ वर्म एक्सपोर्ट किया है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और भी आप कंट्री एक्सपोर्ट करो, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करो और जो है ऑर्गेनिक जो है उसको पूरी दुनिया में ले जाओ। और इंडिया से शुरुआत बोले ना, अपने घर से करो, तो इंडिया में भी लोगों को जागरूक करो, इंडिया में भी ये जो आपका टेक्निक है या ये कैसे हो सकता है वर्मी कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक, तो वो भी इंडिया में पहले लोगों को बताओ और इसको एक्सपोर्ट भी करो, जिससे क्या हमारी भी हेल्थ सुधरेगी, दुनिया की भी हेल्थ सुधरेगी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन इंटरव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू, या थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ, लेट्स गो ग्लोबल टूगेदर। थैंक यू।